बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। मुसीबत को मत कोसो और हाल में चलना सीखो। नमस्कार, मैं मोहित राजपूत आपका अपने अपने चैनल साइंस विद मोहित में फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमारा बोर्ड बूस्टर बैच चल रहा है और हमने लाइन बाय लाइन से चैप्टर 3 से स्टार्ट किया है। चैप्टर 1 और 2 की आपको जल्द वीडियो मिल जाएगी, जल्द वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको। हमने इंट्रोडक्शन पूरा पार्ट अपलोड है हमारे चैनल पे, प्लस हमने एग्जांपल्स कुछ एग्जांपल्स भी अपलोडेड है चैप्टर 3 के। अब एक्सरसाइज भी बढ़ेंगे चैप्टर 3 के। उससे पहले मैं चाहता हूँ आपको एक शॉर्ट ट्रिक दूँ। वो शॉर्ट ट्रिक कैसी कि 10th क्लास का हर एक कोई बच्चा जिसको एक चीज का फियर होता है, एक चैप्टर का फियर होता है, और उस 10th क्लास के बच्चे के लिए वो चैप्टर एक न्यू न्यू टॉपिक है, न्यू चैप्टर है, जिसने आज तक वो चैप्टर पढ़ा ही नहीं है। मीन्स वो चैप्टर उसने पढ़ा ही नहीं क्लास 10th वाले ने। तो वो चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री। तो उसी से रिलेटेड मैं आपके लिए लाया हूँ शॉर्ट ट्रिक। इस पर वीडियो बनेगी, इंट्रोडक्शन फुल पूरा चैप्टर कराया जाएगा। उससे पहले आप थोड़ी एक शॉर्ट ट्रिक सीखिए जो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगी। इसके फॉर्मूले की शॉर्ट ट्रिक है। तो शॉर्ट ट्रिक हम किस 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 की शॉर्ट ट्रिक होती है, तीन ही चीज होती है मेनली। रेशियो होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड आइडेंटिटीज। तो ये तीन चीज होती है जिसकी हम आपको शॉर्ट ट्रिक देंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के मीनिंग से। ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग हम बता देते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है ट्री से तीन, गॉन से साइड और मेट्री से मेजर। मीन्स तीन साइड्स के मेजर को, थ्री साइड्स के मेजर को, थ्री साइड्स के मेजर को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। और आपको पता होगा, आपने जो अपने जूनियर क्लास से सीखा होगा, थ्री साइड्स का कौन सा फिगर, कौन सा शेप होता है, तो सबके जवाब में एक ही आंसर है, वो है आपका ट्रायंगल। वो आपका ट्रायंगल, तो ट्रायंगल। अब जैसे कि ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्राइंगल है, तो ये है ट्राइंगल। तो ये चीज है, तो हम इसमें ट्राइंगल्स के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन भी सीखेंगे, एप्लीकेशन चैप्टर में हाइट एंड डिस्टेंस वाला, ठीक है, वो मेजर करना। तो मेनली हम इसमें 90 डिग्री के एंगल लेते, फिर आपका 60 डिग्री आएगा, 0 डिग्री। उस टेबल के बारे में अलग से वीडियो बना के उस पर डिस्कस करेंगे कि आप टेबल कैसे लर्न कर सकते हो। एक हर डिग्री की टेबल, जितनी डिग्री आपके सिलेबस के अंदर है, 0, 45, 60, 90, 30, आप कैसे रिमेम्बर कर सकते हो ये सब की वैल्यू। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेशियो पे, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की कौन सी ऐसी ट्रिक है जिससे आप जिंदगी भर नहीं भूल पाए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपकी होती है कुल 6। पहली आपकी साइन थीटा, देन कॉस थीटा, देन टैन थीटा, देन आपका कॉट थीटा, देन आपका sec थीटा, देन आपका cosec थीटा। तो आपकी 6 वैल्यूज होती है, 6 6 होती है ट्रिग्नोमेट्री से मेन, जिसकी आप स्टडी करते हो। किस किस की? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, sec थीटा और cosec थीटा। अब ये थीटा क्या है? व्हाट इज थीटा? ये थीटा क्या है? थीटा आपका है, बता देता हूँ, सपोज एक एंगल फॉर्म हो रहा है ऐसे, दो रेज से एक एंगल फॉर्म होता है, इसे वर्टेक्स कहते हैं, ये रेज होता है। जो एंगल फॉर्म हो रहा है, जितने डिग्री का वो एंगल बनाता है, वो एंगल को डिनोट करने के लिए एक ग्रीक वर्ड है। ये एक कौन सा वर्ड है? ये एक ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है थीटा। एक इसे ऐसे लिखते हैं, थीटा एक ग्रीक वर्ड है जो कि आपका बताता है एंगल का मेजरमेंट, जो कि आपको बताता है एंगल का मेजरमेंट को डिनोट करता है। सपोज एग्जांपल आपके सामने है,
टू रेज है जिससे मिलकर क्या बना है, एक एंगल। सपोज दैट ये आपका है 50 या जो 45 डिग्री का एंगल है, तो हम कहेंगे सर जो थीटा है जो उसका एंगल है वो कितना है 45 डिग्री। तो मीन्स ये आपका एक एंगल मेजरमेंट को डिनोट करता है, क्या है थीटा, ये ग्रीक वर्ड है। तो ये है आपका थीटा जो कि आपको इसमें इस्तेमाल बहुत होंगे ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस में और आगे भी मैथ्स में कई जगह और फिजिक्स में भी एज वेल आपको थीटा का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आप समझ जाइए थीटा हमने मैथ में हम किससे डिनोट करते हैं, हम डिनोट करते हैं एंगल्स के मेजरमेंट को कि एंगल कितना फॉर्म हो रहा है। अब एंगल क्या होता है आपने पढ़ा होगा जूनियर क्लास में कि दो रेज से बन के मिलता है, एक वर्टेक्स होता है, ये आपका वर्टेक्स होगा, ये आपका वर्टेक्स होगा, ये आपकी रेज होती है। दो रेज को मिलके आपका क्या बनता है, एंगल फॉर्म होता है। और जितना जितना ये रेज ओपन होगा उतना ही आपका एंगल सेक्शन होगा। सपोज 0, 1, 2, 3, 4, 5 तो ऐसे करते करते ये 90 आ जाता है, ठीक है, ये आपको 90 आएगा। सपोज इतना खुला 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90 और इधर 90 फॉर्म हो गया, तो ऐसे खुलता है। और ये जब ऐसे हो गया पूरा बैंड पूरा एकदम स्ट्रेट लाइन बन गया, जब ये स्ट्रेट लाइन में होता है तो ये होता है 180, ये होता है 180, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं क्या स्ट्रेट एंगल। देन जब ये 180 और 360 के बीच में घूमता है तब ये होता है रिफ्लेक्स एंगल। जब ये पूरा एक राउंड कंप्लीट कर देता है, इधर से घुमा और देन वापस से उसी प्लेस में आ गया, वापस से उसी प्लेस में आ गया, देन हम उसे बोलेंगे कंप्लीट एंगल, 360 उसने कंप्लीट कर लिया। ये हमने आपको बेसिक सा एंगल्स के बारे में बता दिया। बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज की। तो ये तो आपने पढ़ लिया कि ये ग्रीक वर्ड है थीटा के बारे में बता दिया हमने आपको, देन अब बढ़ते हैं इसके रेस। अब इसकी कुछ रेशियोज होती है, इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, बहुत छोटे से फॉर्मूले से आप एक साइन थीटा फाइंड कर सकते हो कि आप साइन थीटा कैसे फाइंड करोगे। तो बहुत बेसिक से फॉर्मूले होते हैं, एक ट्रिक है इसको रिमेंबर करने की, वो ट्रिक बहुत मजेदार है, ध्यान से सुनिएगा, जाइएगा मत हमारे साथ बने रहिए, ठीक है, वो वीडियो को लाइक करते चलिए, आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये तो बहुत बेसिक है, तो छह तो आपको याद हो ही गए होंगे अभी तक मेरे साथ, बोलिए फिर रिपीट कीजिए मेरे साथ, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, छह तो बहुत ईजी आपको रिमेंबर हो गए होंगे। अब एक बहुत बढ़िया ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, मेरे साथ रिपीट कीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ऐसे हम कैसे लिखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो पंडित का पी, बद्री का पी और प्रसाद का फिर से पी और ये सब होगा अपॉन में, फिर ये अपॉन के लाइन के अपॉन में क्या क्या होंगे, नीचे डिवाइड है हर हर बोले, हर का है छर का है जो बोले का भी। अब सोना चांदी तोले इसके ऊपर सोना का सी, सोना चांदी का सी और तोले का टी, सोना चांदी तोले। अभी क्या है, ये तो क्या हमने पी अपॉन एस लिख दिया, बी अपॉन एस लिख दिया और पी अपॉन बी है और एस सी, एस सी टी का क्या है और इसका फुल फॉर्म क्या है, ये तो हमने पंडित बद्री प्रसाद स्कूल में लिख किया है, पंडित बद्री प्रसाद, हाँ सर तारा हो स्कूल में लिख के आ जाना, इसका मतलब और है। ये तो एक रिमेंबर रिकॉल करने की ट्रिक है कि आप एक किसे इसको कैसे याद रख सकते हो इस फॉर्मूले को। अब ये ध्यान से देखिए, जो आपका पी है वो आप परपेंडिकुलर को डिनोट कर रहे हैं, बी बेस है, पी परपेंडिकुलर, बी बेस है, एच हाइपोटेनस है। मैंने आपको बता दिया था ये कि एक राइट एंगल पे ही इर्द गिर्द है ट्रिग्नोमेट्री जो आपका है, स्टार्टिंग बता दिया था मेनली राइट एंगल पे होता, तो राइट एंगल आपका हाइपोटेनस मिल जाएगा, बेस मिल जाएगा और परपेंडिकुलर मिल जाएगा, मेनली ये राइट एंगल पे फॉर्म होता है, ये राइट एंगल में हम इस्तेमाल करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, मैंने आपको बता दिया था। तो राइट एंगल हम इस्तेमाल करते हैं ट्रिग्नोमेट्री को, आगे आप चल के एप्लीकेशन में भी आप सीखोगे राइट एंगल पे ही ये हम फॉर्म करते हैं, राइट एंगल होगा तभी हम इसमें अप्लाई कर पाएंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो P अपॉन H, अब इधर देखिए हमने इसको सबको सेपरेट कर दिया, ये एक अंदर आ गया, ये एक अंदर आ गया और ये एक अंदर आ गया, इधर ध्यान से देखिए
एस फोर साइन, सी फोर कॉस, टी फोर टेन। फिर सर बोलिए एस फोर साइन, सी फोर कॉस, टी फोर टेन। और एस के नीचे क्या है, इधर लिख देते हैं, एस के नीचे क्या है पी एच, एच के नीचे क्या है पी एच, कॉस थीटा के नीचे क्या है सी के नीचे क्या है कॉस थीटा बी अपॉन एच, टेन के नीचे क्या है पी अपॉन बी, कॉट। अब कॉट क्या हो गया, कॉट सेक कॉसेक। आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी इस चीज में, वो ये जो कॉट होता है वो टेन का उल्टा होता है, जो सेक होता है वो कॉसेक का उल्टा होता है, और जो कॉसेक होता है वो आपका साइन का उल्टा होता है। ठीक है, जैसे कॉट मैंने बोला आपका टेन का उल्टा होता है टेन थीटा का, तो टेन थीटा की क्या वैल्यू आई पी अपॉन बी, तो उस हिसाब से जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो इसकी कितनी आएगी बी अपॉन पी। ये तो बहुत बड़ा मेथड हो गया। ठीक, एक फॉर्मूले के बता देता हूँ, सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, तो कॉस की वैल्यू को भी उल्टा कर दो एच अपॉन बी, कॉसेक थीटा की वैल्यू को भी साइन थीटा का उल्टा होता है तो इसकी वैल्यू भी उल्टा कर दो साइन थीटा की एच अपॉन पी। ये तो आपका निकल गया सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। देखो कितना इजी, कितने फनीएस्ट वे में हमने ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल दिए हैं। आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कीजिए। ठीक, कितने हमने फनीएस्ट वे में हमने संदीप बद्री प्रसाद हर भोले से हमने ये सॉल्व कर दिया है। एक बाबा जी आए थे, उन्होंने हमें मंत्र दिया, क्या था वो मंत्र फिर से बोलिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। ठीक है, आपको सोना चांदी जैसे मार्क्स मिलेंगे भर भर के, तो वो भी सोना चांदी से कम नहीं होते, याद रखिएगा। ठीक, ये तो हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब इतने में कोई दिक्कत है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक, इतना आप समझ आएगा, एक बार आप फिर से देख लीजिए, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, पंडित प्रति प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले, सी फोर साइन, एस फोर साइन, सी फोर कॉस, टी फोर टेन। एस के नीचे पी अपॉन एच है तो एस मतलब होता है साइन, तो साइन के आगे पी अपॉन एच, कॉस सी होता है तो सी के नीचे पी अपॉन एच, तो हमने लिख दिया पी अपॉन एच, टेन टी होता है टी के नीचे पी अपॉन बी, तो हमने लिख दिया पी अपॉन बी। अब कॉट होता है टेन का उल्टा, तो जो टेन की वैल्यू उसको भी रेसिप्रोकल कर दो, तो हमने पी अपॉन बी कर दिया। अब sec cos का उल्टा होता है तो उसका भी वैल्यू उल्टा कर दो cos का, ये हो जाएगा h upon b, और cos a की वैल्यू भी उल्टी कर दो, मतलब sin की वैल्यू उल्टी करके cos a की वैल्यू आ जाएगी, तो इसका रेसिप्रोकल होता है। तो आप इतनी चीज मेनली याद रखिए। ठीक है, मेनली आप इतनी चीज याद रखिए। अब हम बढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की तरफ। तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज आपकी वही छह होती है कुल, जैसा आपने रेशियो पढ़ा, रेशियो स्टार्टिंग में पढ़ा जाता है इसलिए क्योंकि रेशियो से ही आगे की शुरुआत होती है। रेशियो में आपने पढ़ा था किस किस की वैल्यू, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये छह थी। तो उसकी भी छह जैसे उसके फॉर्मूले थे, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस वाले, उसी प्रकार से क्या आपके ट्रिग्नोमेट्री जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे वो भी आपके छह होंगे। तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री से क्या याद आ रहा है, आप मुझे ये बताइए, आपको कॉम्प्लीमेंट्री से क्या याद आ रहा है, ये जो वर्ड है कॉम्प्लीमेंट्री, इससे क्या याद आ रहा है। आपने अपने जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे कि दो एंगल का सम ऑफ एंगल अगर 90 डिग्री है तो वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। फिर से मुझे सर बोलिए, सम ऑफ एंगल अगर 90 डिग्री है तो वो कौन सा एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कौन सा एंगल है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जो इसका सम होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 90 डिग्री, कितना होता है 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। ये फॉर्मूला, जितने भी फॉर्मूले बनेंगे कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटीज बनेंगे, उन सबका एक ही बेस है, वो आपका हेक्सागन। क्या है वो आपका हेक्सागन, वो क्या आपका हेक्सागन। ठीक है, वो आपका है हेक्सागन। ठीक, समझे, हेक्सागन है। अब हेक्सागन क्या होता है, आपने जूनियर क्लास में पढ़ी होंगी, छह साइड्स के पॉलीनोमियल को हम क्या बोलते हैं हेक्सागन, छह साइड्स के पॉलीनोमियल क्या बोलते हैं हम हेक्सागन, कुछ इस प्रकार का बनेगा। मैं सही हूं या नहीं आप मुझे कमेंट बताइए।
होना चाहिए प्लीज। ठीक है, छह साइड का बन गया, एक दो तीन चार पाँच छः छः। अब जो इसके वर्टेक्स, इसके जो एजेस है मीन्स कोने हैं, ठीक है, वो कोने में आप लिखिए, स्टार्टिंग कैसे कीजिए, साइन कॉस कॉट आपको याद रखने पड़ेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा कॉट थीटा और इधर कॉस सेक थीटा, देन इधर आपका टेन थीटा और इधर आपका सेक थीटा। ये भी आप कह सकते हो अपोजिट अपोजिट हुआ, देखिए साइन का उल्टा कॉस सेक, ठीक है, कॉस का अपोजिट सेक, ठीक, और टेन का अपोजिट कॉट। थोड़ा डायग्राम सही नहीं बना, इधर से ये बना देता हूँ, एकदम करेक्ट बने, ये कॉस और इधर से दो मिनट, ठीक। आप बीच में लिखिए, बीच में भी लिखना, ठीक, तो ये हो गया, ठीक, ये आपका ऐसा आपने डायग्राम बनाया, इससे आपके कई सारे फॉर्मूले ड्राइव होंगे। अब आप इधर ध्यान दीजिए, अब आपको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मैंने बताया था 90 डिग्री होते हैं, मैंने बताया था 90 डिग्री होते हैं उनका सम, एग्जाम को बिठा देते हैं, जरूरत नहीं है, 90 तो जरूरत है, याद रहेगा आपको बिकॉज यू आर इंटेलिजेंट। आपको एक चीज याद रखना है बस, 90 डिग्री माइनस थीटा याद रखना, 90 तो आप कैसे याद रखोगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से जिसका सम 90 डिग्री होता है उसके बराबर वो, और माइनस थीटा, तो ये आपको याद रखना है, ये चीज थी याद रखना। अब इसमें क्या क्या होगा, सबसे स्टार्टिंग करो साइन से, तो इधर लिख दो आप साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, जो उसके सामने वाला है पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है उसके सामने, cos थीटा, क्या पढ़ रहा है cos मींस sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, देन cos का भी आप कैसे कर सकते हो, अपोजिट हो जाता है cos 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, इस cos के सामने क्या है sin थीटा, क्या है sin थीटा, देखिए वेरी सिंपल फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप समझिए बस इसे मजे से पढ़िए। अब आते हैं टाइम पे, अब आएंगे हम tan 90 माइनस थीटा, याद है बस आपको रखना 90 माइनस थीटा, सब फॉर्मूला क्या बनेंगे, tan 90 माइनस थीटा आप खुद ही बोलो क्या होगा cot थीटा, वेरी गुड, क्या होगा cot थीटा, क्योंकि उसके सामने क्या है cot थीटा, या आपको किसी स्कूल में नहीं बताएंगे, जिस स्कूल में बताते बहुत बढ़िया, तो मैक्सिमम स्कूल में नहीं बताया जाता है फॉर्मूला, ठीक। अब cot 90 माइनस थीटा या आपका क्या होगा cot, तो क्या हो जाएगा ये tan, इधर tan, तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा, देन आपका आता है sec 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या हो जाएगा sec का cosec थीटा, देन cosec थीटा का बना लेते हैं हम फॉर्मूला, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा इज इक्वल टू sec थीटा, देखिए कितने आसानी से हमने कॉम्प्लीमेंट्री सारे एंगल्स बना दिए, कितने आसानी से हमने फॉर्म कर दिए 6 के 6, कितने आसानी से हमने फॉर्म कर दिए 6 के 6, सिर्फ और सिर्फ इस हेक्सागन की हेल्प से, याद रखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में आपको सिखाया जाता है 90 डिग्री माइनस थीटा, देन आपको आमने सामने वाला होगा इसका आंसर, ठीक है। अगर आप साइन 90 डिग्री माइनस थीटा देते हो तो उसके सामने क्या है कॉस, तो कॉस थीटा इसका आंसर होगा, ठीक, कॉस के सामने साइन है तो साइन होगा, तो आपको ऐसे याद रखना है ये चार्ट। और मैं आपको लास्ट में एक टिप्स दूंगा कि आप पेपर में कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये तो मैं आपको रिमेम्बरिंग करने का तरीका बता रहा हूँ कि याद रखने का तरीका क्या होता है, और हाँ प्रैक्टिस जितनी करोगे प्रैक्टिस उतना आपको ये मुंह वाली भी याद हो जाएगा, ठीक है, एक्सपर्ट प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। अभी आपका बेसिक्स जब स्टार्ट कर रहे हो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना, तो आपके लिए बेस्ट ट्रिक है, आपको इससे इजी ट्रिक है मिलती तो प्लीज मुझे बताइए, वैसे इजी ट्रिक है नहीं, इससे आसान कोई ट्रिक है नहीं, अगर स्कूल में
ऐसे, ठीक है, इसको लोग बोलते हैं याद कर लो। याद करने में क्या होता है, हम कभी भूल जाते हैं। अभी हमने सम क्या सोचते हैं कि sec का उल्टा क्या होता है, cos, तो हमने cos लिख देंगे, ऐसा नहीं होता। इसका हम खुशी नहीं करेंगे बच्चे, इसमें कोड पढ़ लेते कैसे, देखिए कोड बन रहा है, ध्यान रखिए बन रहा है। sin का उल्टा cos, sin का उल्टा cos होता ही नहीं है, देखिए। और बच्चे ऐसे में करते sin cos, sin cos, sin cos, tan cos, sin cos, tan cos, अब फंस जाते sec और cosec में कैसे करें, ठीक है। sec cosec और cosec sec होता है, ठीक है। तो ये चीज होता है मेनली, बट इसका अपोजिट नहीं हो रहा। ये बच्चे सोचते हैं अपोजिट हो रहा है, वैसे तो फॉर्मूला किसने याद नहीं किया होगा, सोचते अपोजिट हो रहा है। साइन कहते cos से लिखते थे, पर इधर होता है cos। तो बहुत माइनर सी मिस्टेक आपसे ना हो करके, मैं आपके लिए बहुत ही इजी फॉर्मूला, इजी तरीका कि आप कैसे ये रिकॉल करो और एग्जाम में अपने 80 आउट ऑफ 80 लेके आओ मैथ्स के बोर्ड एग्जाम एज वेल एज स्कूल एग्जाम में। तो उसके लिए मैंने ये फॉर्मूला आपके लिए लेके आया हूँ। प्लीज वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, अपने तमाम दोस्तों को शेयर कीजिए। और बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में। क्या कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, क्या ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का भी एक ही मूल मंत्र था, एक ही तरीका था रिमेम्बरिंग करने का, वो आपका इजी में है, वो एक ही चीज में आपको बता दे। सारे फॉर्मूले ट्राई होने वाले, आप देखते जाइए एग्जाम में ना, क्या पूरा एक 6 फॉर्मूले तो आपको मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से निकाल दिए थे। मैं आपको 6 आपके में ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के भी फॉर्मूले निकालूंगा। तो ध्यान दीजिए ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के फॉर्मूले, फिर से वही लिखिए साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक, और इधर आपका आएगा कॉट थीटा, इधर आएगा कॉसेक थीटा, देन आपका इधर आएगा क्या सेक थीटा, इधर आएगा आपका टेन थीटा। अब आप सोचोगे कैसे याद रखें, मैंने बताया नहीं इसका रिमेम्बरिंग तरीका। तो मेनली आप कई बच्चे क्या कर देंगे, कॉस कर देंगे, साइन कर देंगे कि कहीं अपोजिट नहीं, ऐसा नहीं होता। तो आपको इतना याद रखना है, इधर साइन आएगा साइन कॉस टेन, ये आपको सिक्वेंस तो याद है ना, पर इसमें ऐसे करना साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, टेन इधर आएगा, देन इसके आपको उसके सामने जो भी आपको साइड से मिली उधर उसके अपोजिट लिख देना, ठीक। देन आप एक और तरीके से याद रख सकते हो कि जो सेम साइड है उधर सी सी वाले, स्टार्टिंग सी सी सी, सेम साइड में जो है सी सी वाला है और दो एंड में आपके ऐसा, तो बीच में था टी वाला, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ये तो आपके ऊपर भी है कैसा आपको कैसे याद रखना है, ठीक। ये हो गया, देन याद है आपका इधर, ठीक। अब इस वाले केस में आपको बीच में लिखते हैं ना नंबर वन, बिकॉज यू आर नंबर वन, ऐसा सोचे यू आर नंबर वन, तो हमने लिख दिया बीच में यू आर नंबर वन, ठीक। अब इसमें आपको दो वे में चलना है, इसमें आपको दो तरीकों से चलना है, कौन सा तरीके दो वो समझिए। आपको इसमें चलना है पहला एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक, देन आपका आएगा क्लॉकवाइज। चलो हम पहले क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है, फर्स्ट ये देन एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की सुई कैसे चलती है, ऐसे 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 क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज किसे कहते हैं, जो घड़ी के सुई के विपरीत होती है, उल्टा चलता है, ठीक। तो ये आपका है क्लॉकवाइज और ये आपका होता है एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि घड़ी की सुई कभी ऐसे चलती नहीं, तो इसका एंटी क्लॉकवाइज ही कहेंगे और ये क्लॉकवाइज कहलाता है, ठीक। तो जब भी आप क्लॉकवाइज चलो, जब भी आप क्लॉकवाइज चलो, तो उसमें जो ऑपरेशन यूज होगा मैथमेटिकल का, वो होगा आपका एडिशन, क्या होगा आपका एडिशन। और जब भी आप एंटी क्लॉकवाइज चलोगे, जब भी आप एंटी क्लॉकवाइज चलोगे, तो उसमें जो आपका ऑपरेशन इस्तेमाल होगा वो आपका होगा सब्ट्रैक्शन का। तो ये चीज होती थोड़ी याद रखने वाली। आप क्लॉकवाइज से आप समझिए पॉजिटिव तो सबसे पहले आता है, तो क्लॉकवाइज ही होता है, ध्यान रखिए ये चीज याद रखने वाली है, क्लॉकवाइज में पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव। बहुत बेसिक चीजें तो याद रही जाएगी, क्योंकि आप 10th क्लास पर मैंने आपको ये भी बोला यू आर नंबर वन, यू आर नंबर वन। अब स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज सीखना। सबसे पहले मैंने बोला क्लॉकवाइज चलेंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चल जाते हैं, ठीक। तो क्लॉकवाइज चलेंगे, तो ध्यान दीजिए क्लॉकवाइज ने बोला है मींस ऐसे, और एक एक बॉक्स छोड़ना है, स्टार्टिंग बीच वाले से करनी ऊपर सबसे ऊपर से, देन एक बॉक्स छोड़ना है, फिर देन, फिर एक बॉक्स छोड़ना है, फिर देन, फिर इधर खत्म, बस ये चीज करनी, ठीक। अब देखिए आपके फटाफट कितने फॉर्मूले बन जाएंगे, 6 के 6 बन जाएंगे, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा।
तीन तो आपके देखो तीन फॉर्मूले आपके क्लॉकवाइज से बन जाएंगे, इसके विपरीत डायरेक्शन में सेम सेम बॉक्स से आप विपरीत डायरेक्शन जाओगे तो उसके भी तीन बन जाएंगे, मीन्स तीन आपके क्लॉकवाइज के तीन एंटी क्लॉकवाइज के छह फॉर्मूले आपके ऐसे बन जाएंगे। तो आप इधर ध्यान से देखिए आप, तो ये आपका हो गया। सबसे पहले ऊपर से चलेंगे साइन कॉस वन, तो मैंने बोला था साइन, तो ये ब्लू से कर लेते हैं, ये हम ब्लू से कर लेते हैं, ब्लैक हर जगह अच्छा रहता है ना। साइन स्क्वायर लगेगा तो याद रखना, इसमें इन सब में स्क्वायर वाला है, स्क्वायर तो आपको अगर आप आइडेंटिटीज लिख रहे हो तो स्क्वायर आपको लगाना ही है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। तो क्लॉकवाइज हम कभी भी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे वो कौन सा होगा, एडिशन का, हम क्लॉकवाइज चले तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, जो तीसरा वाला होगा वो इक्वल टू में आएगा। ठीक, देन इस वाले में ये अब इधर से वन से स्टार्ट हो रहा है, वन लिखिए फिर हमें वन में प्लस लिखते हैं, देन कॉट, अब आपको मालूम है इसमें आइडेंटिटी लगा रहे तो कॉट स्क्वायर थीटा, और इसके बराबर तीसरा कौन सा बच गया, कॉस एक्स, तो इधर लिख देंगे कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। देन इधर टेन से स्टार्ट हो रहा है टेन वन साइन, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन देन इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये तो आपका बन गया कौन सा, क्लॉकवाइज, मैं बात करता है एंटी क्लॉकवाइज का रिवर्स फॉर्म। ठीक है, इसका रिवर्स फॉर्म इन इन सब में ये सब हटा दो इधर से भी, अभी ऐसे चलेगा, अभी ऐसे चलेगा क्योंकि अब एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो स्टार्टिंग इधर देखो वन से हो रही है, वन कॉस साइन, तो वन मैंने बताया साइन माइनस का लगेगा माइनस, फिर आपका क्या है कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। देन इधर देखिए कॉस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। अब तो आप खुद ही बना सकते हो sec स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ठीक, एक हमने बना दिया क्लॉकवाइज से, एक बना दिया हमने एंटी क्लॉकवाइज से, जो ऊपर वाला पोर्शन है वो बन गया आपका क्लॉकवाइज से, जो नीचे वाला पोर्शन है बन गया आपका एंटी क्लॉकवाइज से। अब आप देखिए अगर आप एंटी क्लॉकवाइज अगर आप नहीं भी बनाते तभी चलते हैं इसी से आपका एंटी क्लॉकवाइज बनना, ध्यान से धीरे देखिए। अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा इधर देखिए, ये हमने किसकी वैल्यू निकाली है, साइन स्क्वायर थीटा की, तो साइन स्क्वायर थीटा ये है, अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा तो इधर प्लस में है, इधर अगर भेजूंगा तो माइनस में हो जाएगा, तो वन टू वन माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, कुछ चेंजेस नहीं है, उसी का हमने किया है। आप साइन चेंज आप इसको इधर भेज दो तब भी आंसर वही आना है, और मैंने ये आपको हेक्सागन से कैसे निकालते हैं वो भी आपको मैंने ट्रिक के साथ बता दिया है, चाहो तो आप इससे भी निकाल सकते हो ऐसे भी निकाल सकते हो आपकी मर्जी। देन इसमें भी सेम फंडा है, वन की वैल्यू निकालनी थी हमने वन की वैल्यू निकाली है, तो वन इधर है कॉस स्क्वायर थीटा इधर है, ये कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का है इधर जाके माइनस का हो जाएगा। देन टेन स्क्वायर थीटा की हमने वैल्यू निकाली इधर प्लस वन का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, और ये हो गया। तो यही चीज है, इसमें कुछ ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री में कुछ ज्यादा पहाड़ नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको लगानी है और इससे आप डर रहे हैं, बहुत सिंपल है। अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे आपको इतनी सिंपल लगेंगी, आने वाले वीडियो में आपके लिए लाऊंगा, जो आप देखिए अपनी किताब खोल के इतना बड़ा टेबल होगा जिसकी हर डिग्री की एक वैल्यू होगी, 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 45 डिग्री की अपनी 90 मैक्सिमम है इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो वो बहुत सारी मतलब वैल्यूज होंगी आपकी, कौन कौन सी 0 डिग्री किसका 0 लिखना है, साइंस है साइन 0 डिग्री 0 होती है इसकी वैल्यू, साइन 30 डिग्री की आपकी 1/2 होती है, तो ऐसी कुछ वैल्यूज होती हैं जो आपको रिमेंबर करनी होती है, तो उसकी ट्रिक होती है, वो ट्रिक भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा, आपको बताऊँगा आपको पढ़ाऊँगा। और आज मैंने बताया आपको क्या, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ट्रिग्नोमेट्री के, और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, आज मैंने तीन चीज सिखाया, और एक और चीज सिखाऊंगा आप एक स्पेशल रेशियो, वो आप कहते हैं एक स्पेशल रेशियो, क्या होता है आपका एक स्पेशल रेशियो आता है, अलग से स्पेशल तो नहीं कहूंगा, एक इम्पोर्टेंट रेशियो जो हमने एक रेशियो बनाया नहीं, जो भी हम इस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त सॉल्व करते, जब मैंने आपको रेशियो सबसे स्टार्टिंग बताया था वो तो मैंने आपको बहुत बेसिक बताया था, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस वाला, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस वाला मैंने आपको बताया था या नहीं बताया था, बताया था, वेरी गुड बताया था,
मैंने आपको ये इस फॉर्म में से बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, इससे बताया था। और मैंने ये भी बताया था साइन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, टैन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये बताया था। अब दो दो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होते हैं थोड़े डिफरेंट होते हैं, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं अपने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, होता है आपका टेन टेन थीटा और एक होता है आपका कॉट थीटा। इसके रेशियो जैसे कि मैंने आपको बताए थे, जैसे आपका टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। देन आप पेपर में पूरा लिखिएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस भी पूरा लिखिए और परपेंडिकुलर भी पूरा लिखिएगा, ठीक है। देन आपका आता है, अब इसमें मैंने आप बोला दूसरा रेशियो की, हाँ जी है, वो रेशियो किससे निकला है, वो भी आपका इसी से निकला है, किससे, हेक्सागन से, हाँ जी मैंने बोला था ना, हेक्सागन सब ने छः कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ लिए, छः अपने आइडेंटिटीज पढ़ ली, 12 हो गए। अब आप दो ये पढ़ रहे हो तो कितने हो गए कुल, 12 और 2 14, आपने कुल 14 आपने पढ़ लिए हैं, क्या इसकी वैल्यूज फाइंड करना, ठीक है, फॉर्मूले फाइंड करना आपने कुल 14 फॉर्मूले इसी से सीखे हैं, ठीक है। अब तो आपको ये टेबल बनाना बहुत आसान हो गया होगा, क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया है, क्योंकि मैंने आपको मैंने पढ़ाया है, आप खुद भी ट्राई कीजिए बनाना, ये बुरी वीडियो खत्म हो जाता है, देन आप खुद एक पेपर लीजिए, अगर पेपर जो मैंने समझाया वो तो आपने नोट किया होगा, आई नो बिकॉज यू आर नंबर वन, और देन आप क्या कीजिए, खुद ट्राई कीजिए, खुद आप ट्राई कीजिए निकालने की, खुद आप ट्राई कीजिए निकालने की ब्लैंक पेपर में, ठीक है, आप खुद ट्राई कीजिएगा, ठीक। देन आप ये हो गया, अब इधर ध्यान से देखिए, कब किसका अलग क्या है, टेन थीटा, तो आपका टेन थीटा होता है ना, टेन थीटा वो आपका होता है क्या, साइन अपॉन साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, क्या आपको इतनी बात समझ आए, जो टेन थीटा है आपका, टेन थीटा ये वाला यार, इसकी जो वैल्यू है वो आपकी एक और होती है, एक और रेशियो में आपकी एक वैल्यू आएगी साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, इसका एक और रेशियो होता है, ठीक है। अब कैसे आपने हमने कैसे इसमें ट्रिक लगाई इससे, अब देखिए टेन थीटा है, टेन थीटा के आगे जो दो ये वैल्यू है दो वैल्यू साइन और कॉस, बस साइन था से ऊपर और जो बाद वाली वैल्यू आएगी अपॉन में हमने लिख दिया कॉस थीटा, बस इतना ही जो है सिंपली इतना करना है। अब आते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा के समय मालूम है तीन हो गए रेशियो, एक होता है आपका 1/10 थीटा क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है उल्टा होता है, एक होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर इसका उल्टा हो गया। अब तीसरा क्या होता है, देखिए कॉट स्क्वायर इधर है, अब इसके इधर से चलिए दो, किसी दो वैल्यू भी देखना है इसके इस तरफ से, ठीक है, आपको सिर्फ दो वैल्यूज को देखना है, ठीक है, एक बार आप क्लॉकवाइज चले एक बार आप एंटी क्लॉकवाइज चले, तो आप देखिए क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, आपके दिमाग में प्रेशर ज्यादा बन जाएगा, उतने फॉर्मूले मैंने पढ़ाए जितने अपने पेपर में इस्तेमाल कर सकते हो और अपने बुक्स में इस्तेमाल कर सकते हो और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे। अगर आपको एक्स्ट्रा और भी इससे उसके फॉर्मूले आए तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको और फॉर्मूले इसी से ट्राई करके दिखाऊंगा किससे, इसी हेक्सागन से, ठीक है। तो जितना समझ आ गया प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन आपके लिए 24/7 खुला हुआ है। अब आज तो हमने बात कर ली इन चीज की, रेशियोज की, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की और आइडेंटिटीज की, ठीक। तो अब हम जब नेक्स्ट वीडियो कुछ दिनों बाद या कुछ और पार्ट्स कुछ और लेक्चर्स लेके आके फिर मैं एक कुछ दिनों कुछ लेक्चर्स बाद आपको एक और लेक्चर मिलेगा ट्रिग्नोमेट्रीज का, फुल इंट्रोडक्शन में भी मैं कराऊंगा, वो भी आपको बहुत जल्द मिलने वाला है, इसी महीने मिल सकता है आपको, इसी महीने मिलेगा आपको वो लेक्चर जिसमें आपको फुल इंट्रोडक्शन करा दिया जाएगा ट्रिग्नोमेट्रीज का, देन आपके एक्सरसाइज देन आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का भी फुल इंट्रोडक्शन करा दिया जाएगा। आशा है आपको समझ आया होगा,
नहीं आया आपकी कोई भी डाउट परेशानी है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए और सॉल्यूशन देने की हम जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। अब हम मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।